सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान ज्यों के त्यों अड़े हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एकता का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। धरने में सिरसा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अब महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कैथल जिला की किसान नेत्री प्रोमिला सारन भी धरने में शामिल हुई। उनका कहना है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं प्रोमिला सहारन, जिला कैथल कोलेखा गांव से। देखिए, किसी भी आंदोलन हो, आज तक का इतिहास गवा रहा है कि हर लड़ाई में औरत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और पूरे उसके साथ जोश के साथ उसको जीता भी है। तो इस आंदोलन का भी हम यही वो देखना चाहते हैं अंजाम। जी, हम चाहते हैं कि जो आपने देखा, जो ये आंदोलन जो रूप ले, एक चिंगारी के रूप से लेके आज एक तरह से ज्वालामुखी बनने जा रहा है। पूरे पास के स्टेटों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। पूरे देश का किसान ये आज सिरसा को बड़ी उत्सुकता भरी नज़रों से देख रहा है, क्योंकि जो ये किसानों की दमनकारी नीतियां हैं, सरकार ने जो ये काले कानून लेके आई है, उसके भी किसान और किसानी दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए है। तो इसमें किसान, पूरे देश का किसान एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा।